अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जिस चीज के बारे में पढ़ना है वो है हमारे पास एटॉमिक साइज। तो हमने देखना है कि एटॉमिक साइज क्या है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इस वजह से आपने गौर फिकर के साथ इसे देखना है। अगर आपको एटॉमिक साइज समझ में आ गया तो आप आसानी से इलेक्ट्रो निगेटिविटी, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी और बाकी जो भी रेशियोस के साथ टॉपिक्स होंगे उनको आसानी से फाइंड आउट कर सकेंगे। तो देखते हैं हमारे पास ये चीज क्या होती है। तो आज जो हमारा टॉपिक है एटॉमिक साइंस, एटॉमिक साइंस। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि एटॉमिक साइंस किस चीज को कहा जाएगा। तो पहले आ जाते हैं एटॉमिक साइज की डेफिनेशंस की तरफ। तो कहता है डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू लास्ट इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस टू लास्ट इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल दे लेते हैं कि हमारे पास ये एटम है जिसका नाम ए है, और इस ए एटम का ये हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से लेके यहाँ तक ये जो इसका डिस्टेंस है इसे हम लोग एटॉमिक साइज कहते हैं। ये इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस से लेके आखिरी इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस को हम लोग एटॉमिक साइज के नाम से जानते हैं। अब पीरियोडिक टेबल में अगर आप इस तरह से जाएंगे, अगर पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट साइड पे जाएंगे, जो आपकी राइट साइड जाएंगे लेफ्ट साइड से, तो ऑटोमेटिकली आपका जो साइज एटॉमिक साइज होगा आपके एलिमेंट का वो डिक्रीज होता जाएगा। एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, और जब आप इधर आएंगे तो आपके पास जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होता जाएगा। उसका रीजन क्या है भाई कि ये क्यों इंक्रीज और क्यों डिक्रीज हो रहा है? इसका रीजन है, इस तरफ जब हम आते हैं तो इस तरफ हम देखते हैं नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स। तो क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं ऊपर से नीचे, यानी जब हम ग्रुप में देखते हैं तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। और इस वजह से बढ़ रहा होता है कि उसमें नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज हो रहे होते हैं। जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं तो साइज कम हो रहा होता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि उसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रही होती है। अब ये ऐसा टॉपिक है, अगर आपको ये दो बातें समझ में आ जाए तो आपको आसानी से पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक नाम लिखता हूँ, एक लिथियम है, एक सोडियम है, एक पोटासियम है, एक रुबिडियम है। अब अगर लिथियम है तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 11 है, इसके पास 19 है और इसके पास 37 है। इसी तरह से हम और नीचे देखेंगे तो आप इसका अगर शेल बनाए लिथियम का, तो शेल कुछ ऐसे बनेगा, पहले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर 8, सॉरी दूसरे में 1 आ जाएगा। इसमें सोडियम का अगर बनाएं तो पहले में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में आ जाएंगे 8 और तीसरे में आ जाएगा 1। इसमें एक शेल बढ़ गया, इसमें 2 शेल थे, इसमें 3 शेल हो गए। अब 19वें में आए तो इसमें भी पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 1। आप देखेंगे तो इसमें एक और शेल बढ़ गया। और अगर आप इसमें जाएंगे, इस 5वें यानी रुबिडियम की तरफ जाएंगे, तो इसमें भी सेम सिस्टम होगा, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, फिर इसके बाद हमारे पास अगले में 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम जैसे आगे इंक्रीज करते जाएंगे तो ये सिस्टम हमारे पास चेंज होता जाएगा। तो आप जैसे नीचे जा रहे हैं तो हमारे पास एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज हमारे पास इंक्रीज होता जा रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यही सेम चीज अगर हम इस तरफ देखें कि ये हमारे पास लिथियम है, फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है बोरान, सॉरी ब्रेरियम, फिर इसके बाद बोरान, फिर इसके बाद कार्बन। इस तरह से देखा जाए तो आगे हम सिस्टम चलता जाएगा, नाइट्रोजन के आगे मजीद और सिस्टम जाएगा। तो हम इस तरफ देखें तो हमारे पास पहले के अंदर 2, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर पहले में 2, दूसरे में भी 2, फिर पहले में 2, दूसरे में भी 3, फिर 2, फिर 4, फिर 2, फिर 5। तो इसका मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं हो रहे, इसमें सिर्फ क्या चीज इंक्रीज हो रही है, इसके अंदर इंक्रीज हो रहे हैं सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं देखने, यहाँ पर हमने देखना है कि हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। तो इसी तरह से ये चीजें आसानी से देखी जा सकती हैं। अब इसमें कितने प्रोटॉन अंदर खींच रहे हैं, 3, इसमें 4, इसमें 5, 6 और इसमें 7 प्रोटॉन। प्रोटॉन हमेशा कोशिश करते हैं कि इसको अंदर की तरफ खींच लें, तो जब प्रोटॉन इसको अंदर की तरफ खींच रहे होते हैं तो यहाँ पर 3 प्रोटॉन 2 शेलों को अंदर खींच रहे हैं, 3 प्रोटॉन 2 शेलों को, यहाँ पर 3 प्रोटॉन
यहाँ चार प्रोटॉन दो को, यहाँ पांच प्रोटॉन दो को, और यहाँ पर छह प्रोटॉन दो को अंदर खींच रहे हैं। यहाँ पर दो शेल को पांच सात प्रोटॉन जो है वो अंदर की तरफ खींच रहे हैं। तो अगर देखा जाए प्रोटॉन की माना बनती है न्यूक्लियर चार्ज, तो इसके पास न्यूक्लियर चार्ज है शुक्र और इसके पास न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन है सात, इसके पास प्रोटॉन है तीन। तो जिसके पास तीन प्रोटॉन है माना उसके पास प्लस चार्जेस तीन है, और जिसके पास सात प्रोटॉन है उसके पास प्लस चार्जेस भी ज्यादा है, सात चार्जेस है। तो इस वजह से जब हम इस तरफ से इस तरफ जाते हैं तो हमारे पास एटॉमिक साइज वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है, एटॉमिक साइज जो है ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है उसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगी और हमारे पास नंबर ऑफ शेल सेम रहेंगे तो एटॉमिक साइज जो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होता जाएगा। उम्मीद करते हैं ये चीजें भी आपको समझ रही होंगी। शुक्रिया।